आज 17 जून सोमवार को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ग्रुप चरण में अपना सभी मुकाबला खेल लिया है, लेकिन आज के मैच पर भारत की निगाह रहने वाली है, क्योंकि आज के मैच की समाप्ति के बाद ही ये तय हो पाएगा कि सुपर 8 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी या फिर नीदरलैंड के खिलाफ। इसलिए आज यहाँ हम आपको बताने आए हैं कि आज कौन सा मुकाबला भारतीय समय अनुसार कितने बजे आरंभ होगा। लेकिन आज के मैच के बारे में बताने से पहले हम बात करेंगे पॉइंट टेबल की। पॉइंट टेबल में इस समय कौन सी टीम कहाँ है, इसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए का सभी मुकाबला समाप्त हो चुका है। सभी मुकाबले की समाप्ति के बाद ग्रुप ए में भारत की टीम 7 अंक लेकर शीर्ष पर रही और इस ग्रुप में नई नवेली यूएसए की टीम ने एक बड़ा धमाका करते हुए पाकिस्तान की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर कर दिया। इस ग्रुप में यूएसए की टीम 5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही, तो वहीं इस ग्रुप में पाकिस्तान तीसरे स्थान पर, कनाडा चौथे स्थान पर और आयरलैंड की टीम 5वें स्थान पर रही। ये तीनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। वहीं अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी के भी सभी मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने सभी मुकाबले जीतकर 8 अंक के साथ शीर्ष पर रही, तो वहीं इस ग्रुप में इंग्लैंड की टीम 5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। हालांकि इस ग्रुप में स्कॉटलैंड के पास भी 5 अंक हैं, लेकिन रन रेट के मामले में स्कॉटलैंड की टीम इंग्लैंड से पीछे रह गई और इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई। वहीं अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी के कुछ अहम मुकाबले आज खेले जाएंगे, लेकिन इस ग्रुप से अभी अफगानिस्तान की टीम 6 अंक के साथ सुपर 8 में पहुंच चुकी है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम भी इस ग्रुप से सुपर 8 में पहुंच चुकी है। दोनों ही टीम के पास 6-6 अंक है, जबकि इस ग्रुप से न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। न्यूजीलैंड के अलावे पापुआ न्यूगिनी और युगांडा की टीम भी T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। वहीं हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी का आज 2 अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस समय ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने सभी मुकाबले जीतकर 8 अंक के साथ क्वालिफाई कर गई है सुपर 8 के लिए, लेकिन इस ग्रुप से एक स्थान के लिए बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच पेच फंसा हुआ है। आज दोनों ही टीमें अपना अपना मुकाबला खेलने उतरेगी। इस ग्रुप में बांग्लादेश की टीम दूसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर नीदरलैंड की टीम है। वहीं नेपाल की टीम चौथे स्थान पर, तो श्रीलंका जैसी दिग्गज टीम 1 अंक के साथ इस ग्रुप में 5वें स्थान पर है और श्रीलंका की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आज के मुकाबले के बारे में। आज 17 जून को इस टूर्नामेंट में कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 2 मुकाबले ग्रुप डी के होंगे। आज पहला मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आरंभ हो जाएगा। इस मैच में अगर बांग्लादेश की टीम नेपाल को हरा देती है तो ग्रुप बी से सुपर 8 में पहुंचने वाली बांग्लादेश की टीम दूसरी टीम बन जाएगी। वहीं आज दूसरा मुकाबला भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज दूसरे मुकाबले में भी ग्रुप डी के 2 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे ही आरंभ हो जाएगा। तो आज तीसरा मुकाबला ग्रुप सी से खेला जाएगा। आज ग्रुप सी से न्यूजीलैंड की टीम पापुआ न्यूगिनी के खिलाफ उतरेगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे आरंभ होगा। इन सभी मुकाबले को आप भारत में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में डीनी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बिना सब्सक्रिप्शन चार्ज के देख सकते हैं।